अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी हिट कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव रिव्यूज़ आप लोगों के पास पहुँच सके। सो आज की वीडियो में मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो एक बहुत ही बेस्ट प्रेस ग्लिटर की पैलेट है। आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो इसकी पैकेजिंग आउटस्टैंडिंग है और अंदर से इसकी क्वालिटी भी बहुत बहुत बेस्ट है। और इस पैलेट की जो सबसे बेस्ट बात है, सबसे अच्छी बात है, वो भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो के एंड में शेयर करूँगी। सो सबसे पहले हम इसके शेड्स की बात करें तो इसके अंदर टोटल 30 शेड्स हैं। अगर हम सेपरेट सेपरेट भी प्रेस ग्लिटर्स लेते हैं तो अक्सर ऐसा होता है हमें शेड्स नहीं मिलते, या अक्सर ऐसा होता है कि वो हमें, हम सबसे अफोर्डेबल वाला भी लेना तो वो 200 से कम बिल्कुल भी नहीं मिलते, और जो ज़्यादा कुछ बेस्ट क्वालिटी की हैं वो 450-550 के अराउंड हैं, तो वो इस तरह से हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है क्योंकि इसके अंदर 30 शेड है। अच्छा, इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो बहुत ही बेस्ट, इसके ऊपर प्लास्टिक का सील पैक हुआ है और कॉपी शेप में बनी हुई है। पैकेजिंग इसकी आउटस्टैंडिंग है, 100/100 है पैकेजिंग के, बहुत ही अच्छी इसकी पैकेजिंग है। अच्छा, ओपन करने पर ये बिल्कुल एक कॉपी की तरह ओपन होती है और इसके अंदर टोटल 30 शेड है। शेड्स इसके अंदर इतने ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं और इतने प्यारे शेड्स हैं ना, सारे शेड्स यूज़ होने वाले हैं। कोई इसमें एक दो शेड्स ही ऐसे हैं जो, अवेल तो कोई ऐसा शेड है ही नहीं ना, सारे शेड यूज़ होने वाले हैं इसके अंदर। सो ये आप लोग देख सकते हैं, पैलेट मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ये जो मेरी वाली पैलेट है आप देख सकते हैं, बिल्कुल थोड़ी यूज़ भी हुई हुई है। सो ये पैलेट इतनी अच्छी है ना, इसके अंदर एक तो ये अफोर्डेबल है और उसके अंदर पैकेजिंग भी इसकी ट्रैवल फ्रेंडली है, हम इसको कहीं भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। सो आप लोग इसके स्वेचेस चेक करें, एक ही प्रेस में आ जाएगा, जैसे मिसरोस के हैं ये बिल्कुल वैसे हैं, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा अफोर्डेबल है, वो भी 900-950 की मिल रही है। और इसके अंदर 18 शेड्स होते हैं या 10 शेड्स होते हैं, दो पैलेट्स हैं उनकी, 18 और 10 वाली। सो ये प्रेस ग्लिटर हमने फिंगर से बस वहीं पर अप्लाई करने होते हैं जहाँ पर हमें चाहिए हो, तो मैं आपको इसको बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करके दिखाती हूँ जैसे हमें ये आइस पे अप्लाई करने होते हैं। तो कलर इसके बहुत लाइट लाइट प्यारे प्यारे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क भी अच्छा नहीं ना लगता, जो स्पेशली प्रेस ग्लिटर्स हों, तो सारे कलर्स इसके बहुत अच्छे और यूज़ होने वाले हैं। ये पैलेट मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, बहुत ही अच्छी पैलेट है और इसके प्राइस 1200 रुपीज़ हैं। सो ये पैलेट आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, यूनिकॉर्न की ये पैलेट जो है दराज पे 1400-1500-1700 तक की भी मिल रही है, बट मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो ये आपको 1200 रुपीज़ की मिलेगी। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप बाय कर सकते हैं। और ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, बहुत ही अच्छी है, स्पेशली आजकल जो वेडिंग सीज़न है तो उसके लिए ये एक ही पैलेट हम ले लेते हैं ना, तो इनफ है, सेपरेटली हमें अलग अलग प्रेस ग्लिटर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर ऐसा होता है हमें शेड्स भी नहीं मिलते, और अगर मिलते भी हैं तो यू नो के वो 400 के राउंड, जैसे स्वीट फेस के हैं वो 400 के हैं, इस तरह से सारे जो हैं 350 के हैं, कुछ 400 के हैं, एक दो ऐसे हैं जो 100 में आते हैं बट उसी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेस्ट नहीं होती, वो क्रीज़ कर जाते हैं जल्दी से, बट ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर हमें सीलर वगैरह की या किसी भी प्राइमर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये और भी ज़्यादा स्टे करे तो आप इसके साथ कोई भी अच्छा सा सीलर यूज़ कर सकते हैं। सो ये मेड इन चाइना है और बहुत ही है, यहाँ पैक पे इसका बारकोड भी मेंशन है। सो अगर आप लोगों ने ये वाली पैलेट ट्राई की हुई है तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन है, आप में से ज़रूर किसी ना किसी ने ये पैलेट ट्राई की हुई होगी, अगर की हुई है तो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि सबको पता चले कि ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट पैलेट है। और अगर आप लोगों ने नहीं की और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि सेपरेट सेपरेट लेने में ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, और मेरे पास एक दो काशिश के भी ग्लिटर्स हैं जो कि 1800 रुपीज़ की जस्ट उसकी एक छोटी सी बोतल आती है, वो 1800 रुपीज़ की सिर्फ एक शेड है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो। सो ये बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है प्राइसेस के हिसाब से, इसकी क्वालिटी A1 है, जैसे मिसरोस की पैकेजिंग है, सॉरी मिसरोस की क्वालिटी है, सेम टू सेम वैसे ही है। सो आप लोग भी इसको ट्राई करके मुझे बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गिव दिस वीडियो